हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर में भी सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, डिस्ट्रेस में नहीं आना है बिल्कुल भी। सिचुएशंस चाहे जैसी भी हों, पर सिचुएशंस ख़राब होते हुए भी अगर आप अपने आप को कैरी जो है वो ठीक से कर रहे हो, ठीक है, हाइपर नहीं हो रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सिक्स में के जो आपके करंट अफेयर्स थे, हिंदू, PIB, BIL, इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ से भी जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, तो MCQs लेकर के आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे 6 मई के न्यूज़पेपर से, वन बाय वन। ओके, प्रोसेस वही रहेगा, आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे, न्यूज़ भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, और उसको फिर डिस्कस भी करेंगे। आपने खुद से उसको आंसर करने की भी कोशिश करनी है अगर आपने उस न्यूज़ को फॉलो किया है। ओके, एडिटोरियल, जिस एडिटोरियल में से लगेगा कि हाँ इस एडिटोरियल में से अच्छा सवाल बन सकता है, वहाँ से भी बनाएंगे। पहला सवाल एडिटोरियल में से ही बनाया हुआ है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आया था आपके हिंदू बिजनेस लाइन में, ठीक है, हिंदू बिजनेस लाइन में आर्टिकल आया था एंड इट वॉज़ रिलेटेड टू कि इंडिया कैसे पिछले 3-4 साल में अपने गोल्ड रिजर्व्स जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या था वो सब था, क्यों कर रहा है ऐसा, वो रीजंस थे, क्यों वो रिस्की है, वो रीजंस थे। तो आर्टिकल को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही कि क्या लिखा हुआ था इसके अंदर। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम एक और चीज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे इस आर्टिकल के ऊपर किस तरह से हमने फ्रेम किया। तो सवाल देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले अपने से करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इन रिलेशन टू द गोल्ड रिजर्व्स दैट आर मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो गोल्ड रिजर्व मेंटेन करता है, सबसे पहला स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन इट्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिक्स। ठीक है, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिक्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, ये भी एक सवाल पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का पहला स्टेटमेंट क्या है कि गोल्ड को हम डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ गोल्ड को। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द करेंसी Currently, India has much higher reserves of gold than countries like United States, France and Germany. यहाँ पर of gold भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो currently India has much higher reserves of gold than countries like US, France and Germany. हमारे पास जो RBI, हमारे सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, वो US, France और जर्मनी जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा रिजर्व हमारे RBI ने मेंटेन किया हुआ है, ये बोल रहा है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 साल अगर आप देखोगे इंक्रीज कर रहा है परसेंटेज ऑफ गोल्ड को हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिक्स में, तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि दो इंडिया इस यू नो ऑन कंटिन्यूसली प्लान ऑन कंटिन्यूस प्लान कि वो अपने गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज करे, पर अभी भी हम जो है 10th नंबर पर आते हैं ग्लोबली इन गोल्ड रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। ओके, US, फ्रांस और जर्मनी सबके पास इंडिया से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आंसर, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, अपने से करेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ओके, आंसर विल बी डी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, अब देखते हैं कि एडिटोरियल में क्या क्या लिखा था। सबसे पहले एडिटोरियल में क्या कहा गया कि देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गोल्ड में कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, और पिछले कुछ सालों से RBI की ट्रांजेक्शन्स कंटिन्यूअस अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, जो RBI गोल्ड परचेज कर रहा है, ठीक है। हम मल्टीपल एरिया से गोल्ड परचेज करते हैं, जैसे IMF से हमने गोल्ड परचेज कर लिया, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमने गोल्ड परचेज कर लिया। अगर आप देखो पिछले 3 साल में, यानी कि मार्च 2017 से लेके मार्च 2021 तक 3-4 साल में अगर आप देखो, तो जो शेयर ऑफ गोल्ड है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो पहले 5% होता था मार्च 2017 में, वो बढ़ करके 7% हो गया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो वहीं पर गलत हो गया, हमारा जो हम मिक्स में शेयर है गोल्ड का उसको इंक्रीज कर रहे हैं स्टेडिली। ओके, तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। अब हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश नहीं है जो गोल्ड परचेज कर रहा है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, गोल्ड का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर रहा है, और भी काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो इस तरह के एक्शंस ले रही हैं, और उनका मेन रीज़न क्या है कि वो किस तरह से, देखो अभी जो कंट्रीज़ का फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है US डॉलर के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो क्या चाहती हैं कि वो US डॉलर के ऊपर जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है उसको कम कर सकें। अभी हम और भी रीजंस देखेंगे कि क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। अगर इंडिया के हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो फॉरेन करेंसी एसेट,
यानी कि जो करेंसी एसेट्स हम मेंटेन करते हैं जैसे डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग वगैरह, वो आ गए। अब अगर आप देखो ज़्यादा जो परसेंटेज है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का वो डॉलर्स का है, ठीक है, तो हम ये डिपेंडेंस भी कम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं वो भी देखेंगे। गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है, और IMF में रिजर्व पोजीशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या पार्ट बनता है, ऑलराइट, ABCD या 1, 2, 3, 4 करके, तो वो वहाँ से भी आपको क्लियर रखना है इसको, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम देखें RBI का करेंटली 695.3 टन्स ऑफ गोल्ड है उनके रिजर्व्स में, जिस टाइम हम आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम की ये बात है, ओके। एंड ये आपको वैसे याद नहीं करना, ये जस्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है। जो बच्चे IAS वाले बच्चे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में इस तरह के फैक्ट्स यूज कर सकते हैं वाइल राइटिंग देयर आंसर्स, ओके। तो 695.3 टन्स ऑफ गोल्ड है, 10वां रैंक आता है हमारा ग्लोबली। हाल हमसे अभी US, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं, या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज में चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं, उनका हमसे गोल्ड रिजर्व जो है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इज स्टेडिली इंक्रीजिंग इट गोल्ड रिजर्व। तो रैंकिंग आप इम्प्रूव होती देखेंगे आने वाले सालों में। अब क्यों हम ये गोल्ड पाइलअप कर रहे हैं, क्या रीज़न है, जो ऑथर है एडिटोरियल के जिन्होंने लिखा है, उन्होंने हमें जो रीजंस दिए, सबसे पहले तो US की जो डोमिनेंस है, US करेंसी की जो डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, उसको कम करने के लिए। एक तो अगर हम गोल्ड रिजर्व अपने फॉरेन एक्सचेंज में रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यूजेज कम हो जाएगी। हालांकि ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं है कि गोल्ड रखने से हमारी यूजेज कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड जिस करेंसी में हम कर रहे हैं मेन तो उसी में होगा ना, गोल्ड में हम ट्रेड तो करने से रहे, ठीक है, पर ट्रेडिंग के साथ साथ ये भी कहना है कि US से अगर आपको डोमिनेंस कम करनी है तो अपने रिजर्व्स जो हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज के, उसमें तो कम से कम डॉलर का डोमिनेंस कम करो। पर इस पॉइंट को हम देखेंगे कि हाउ डेंजरस दिस इज, ठीक है। वैसे जब भी कोई बात आती है ना कि आपने गोल्ड मेंटेन कर, गोल्ड का रिजर्व इंक्रीज करना चाहिए या नहीं चाहिए, या डिक्रीज करना चाहिए, या जो ये स्टेप लिए जा रहे हैं ठीक है या गलत है, तो उसमें हमेशा हम देखेंगे कि एक फाइन बैलेंस बना होना चाहिए। अगर कुछ भी ज़्यादा हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कम हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम है। दूसरा, फेयर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ US डॉलर। अब हिंदुस्तान कहता है कि यार हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपने US डॉलर भर रखे हैं, अगर ये डॉलर जो करेंसी है इंटरनेशनली अगर ये डेप्रिशिएट होनी शुरू हो गई तो अपने तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लुट जाएंगे, ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल लेके चलो, आज आपके पास $10 हैं, ठीक है, आप कह रहे हो मेरे पास आज $10 हैं, और क्योंकि करेंसी, US करेंसी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग प्ले कर रही है, करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रही, आप कह रहे हो 75 रुपीज़ का डॉलर है तो मेरे पास 750 रुपीज़ पड़े हैं, लेकिन US में कुछ ऐसा हुआ इकोनॉमी में कि करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई डॉलर, और ये 75 रुपये का डॉलर, जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आने वाले 1-2 महीने में 60 रुपये का रह गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेल्थ है वो 750 से आकर के 600 पर आ गई, 150 रुपये का नुकसान हो गया आपको 1 महीने के अंदर अंदर। तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो इतने ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करती है, ठीक है ना, तो अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो गया तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा रिस्क होएगा। और ये हमने देखा भी, US डॉलर बहुत ज़्यादा शार्पली ग्लोबली फेल किया 2017 में जब उसका ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना के साथ, या जब कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हुए थे, ओके। उसके अलावा यील्ड ऑन US ट्रेजरी बॉन्ड स्पाइक्ड शार्पली बिटवीन 2017 एंड मार्च 2018, जब US ट्रेजरी बॉन्ड जो है उनका इंटरेस्ट रेट, उनका यील्ड जो है वो इंक्रीज करता है, तो उससे भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे दबाव जो है वो पड़ता है, ओके। उसके अलावा ये मानना है कि जो गोल्ड है, अगर आप देखो सितंबर 2018 से गोल्ड ने 48% गेन किया है, तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो कहती हैं कि अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा, क्योंकि गोल्ड इज सच एसेट विच इज़ अप्रिशिएटिंग। लेकिन इसमें भी रिस्क है, मैंने आपको बताया ना, हर पॉजिटिव पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट भी होएगा। जब हम देखेंगे कि क्यों इंडिया को इतना ज़्यादा गोल्ड के ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तब हम एक पॉइंट ये भी देखेंगे कि ये अगर डिप्रिशिएट करने लगा गोल्ड, तो फिर बहुत स्पीड से डिप्रिशिएट करेगा, उतनी स्पीड से US जैसी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी नहीं डिप्रिशिएट कर सकती जितनी स्पीड से गोल्ड डिप्रिशिएट कर सकता है, गोल्ड का प्राइस गिर सकता है, ठीक है। वीकनिंग ऑफ US डॉलर,
यूएस जैसे 2020-2021 में यूएस ने काफ़ी जो मेजर स्टिमुलस प्लान्स हैं वो लॉन्च किए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, नियरली जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना शुरू कर दिया मार्केट में, उससे भी क्या होता है यूएस डॉलर गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूएस डॉलर गिरना शुरू हो जाता है तो नुकसान होता है हमारे जैसी कंट्रीज को जहाँ पर फॉरेक्स मेंटेन्ड है। ठीक है, इसीलिए भी जो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो क्या कहती हैं कि अब हमें ज़रूरत है कि हम डॉलर के अलावा बाकी के एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करें। ओके, सो अगर आप देखो एक सर्वे लास्ट ईयर कंडक्ट किया था WGC ने सेंट्रल बैंक्स का, तो दैट सर्वे शोड कि 20% जो सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली दे हैव इंटेंडेड टू इंक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व्स, वो चाहते हैं कि वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को आने वाले 12 महीने में इंक्रीज करें, तो इंडिया भी इसी ट्रेंड को जो है वो फॉलो कर रहा है। अगले सेगमेंट में जो ऑथर है वो क्या बताता है कि अब रिस्क क्या है, ये लार्ज गोल्ड रिजर्व क्यों इंडिया इन गोल्ड रिजर्व्स के लिए जा रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब रिस्क क्यों है, पिछले 3 साल में हमने अपने इतने ज़्यादा गोल्ड परचेज किया तो रिस्क क्या है। सबसे पहले तो गोल्ड प्राइस वॉलेटाइल है, अब हमने ये तो देख लिया कि 2018 से लेके अभी तक 48% गेन हुआ, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर 2013 का भी लेकर चल रहे हो जब गोल्ड प्राइस अराउंड 30% क्रैश कर गए थे, गेन हुए वाला तो देख रहे हो लेकिन जब क्रैश करेगा तब भी तो डंका बोल जाएगा ना एकदम। ठीक है, उसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव हेज, अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है तो उसको आप इफेक्टिव हेज नहीं कंसिडर किया जाता, शॉर्ट टर्म में आप गोल्ड को हेज करके पैसा जो है उठा सकते हो पर लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करता है। लिक्विडिटी लोअर है, डॉलर को तो आप अभी बेच दो, गोल्ड को अगर आप सेल करना चाहोगे तो उसके लिए पहले आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 ग्राम 20 ग्राम गोल्ड तो बेचेगा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गोल्ड बेचने की नौबत आएगी तो टनों में बेचेगा, और वो टन में गोल्ड खरीदने वाला होना भी चाहिए, कोई सेलर चाहिए उसके लिए। डॉलर का तो क्या है, आप मार्केट में निकाल दो, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको दे दो, बहुत इजीली डॉलर की आप खपत कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा है, गोल्ड की नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्व्स क्यों मेंटेन करते हैं, लास्ट और फाइनल पॉइंट में ऑथर क्या कह रहा है कि रिजर्व्स क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि कंट्री का अगर कोई एक्सटर्नल दबाव आता है या कंट्री के एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो उस केस में हम रिजर्व्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो गोल्ड को उस केस में यूज़ कर सकोगे क्या, अगर आपने ट्रेड के लिए यूज़ करना है या जो आप बोरोइंग कर रहे हो ओवरसीज IMF वर्ल्ड बैंक ADB वगैरह से पैसा उठा रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई जो इशू आपको रिजॉल्व करना है तो उस केस में गोल्ड काम नहीं आएगा, उस केस में करेंसी काम आएगी जो डोमिनेंट करेंसी है। ठीक है, और इसी वजह से चाहे जो हो जाए इंडिया चाहे अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज भी कर ले तब भी इंडिया को US डॉलर्स का एक अच्छा खासा रिजर्व जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा हाल फिलहाल के लिए, आने वाले समय के लिए। जब तक ग्लोबली डॉलर चल रहा है तब तक तो कंट्रीज को डॉलर मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड तो आपने करना ही है ना, गोल्ड के साथ ट्रेड आप नहीं कर सकते, अगर व्यापार जो चल रहा है देशों में वो गोल्ड के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो गोल्ड परचेज करना दैट इज गुड, बट अ सफिशिएंट चंक ऑफ US रिजर्व्स आल्सो हैज टू बी मेंटेन्ड, दैट इज द कंक्लूजन। ऑलराइट, तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के ऊपर यहां पर बन सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन देखा। ओके, चलो ऑलराइट जी, नाउ मूविंग टू द सेकंड न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे सारे न्यूज़पेपर्स में थी, फ्रंट पेज के ऊपर थी। बेसिकली हुआ क्या है, मराठा जो कोटा दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है। ठीक है, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1992 की एक जजमेंट में, जिसको हम इंदिरा सोहने केस कहते हैं, उसमें बोला कि जो भी टोटल रिजर्वेशन दी जा रही है, टोटल रिजर्वेशन दी जा रही है स्टेट के द्वारा या सेंटर के द्वारा भी, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%, यानी कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर 100 सीट्स हैं किसी एग्ज़ाम की या किसी भी ऑफिस की 100 सीट्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा सीट्स आप नहीं रिज़र्व कर सकते। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए बोला गया है महाराष्ट्र के लॉ को, क्योंकि मराठा कोटा देने के बाद जो महाराष्ट्र है उन्होंने अपनी 50% की लिमिट जो है क्रॉस कर दी थी। ओके, सो महाराष्ट्र लॉ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन बेनिफिट टू मराठा कम्युनिटी टेकिंग द कोटा लिमिट इन द स्टेट इन एक्सेस ऑफ 50%, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, साथ ही साथ जिस इंदिरा सोहने केस की मैंने बात की, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये 50% की लिमिट जो है
आप सिर्फ उन केसेस में एक्सीड कर सकते हो अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई है, तभी आप इसको 50% से ज़्यादा एक्सीड कर सकते हो। तो जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये मराठा कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भैया देखो, ऐसे कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये 50% की लिमिट जो है ब्रेक करनी पड़े। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मराठास हैं ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है नेशनल लाइफ में, और महाराष्ट्र में भी ये एक पॉलिटिकल डोमिनेंट कास्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई रीज़न नज़र नहीं आया कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन स्पेशली प्रोवाइड की जा सके, कि कहीं से किसी एंगल से भी ये बैकवर्ड नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हमारे पास फाइंडिंग्स आई थी जस्टिस एमजी गायकवाड़ कमीशन की, जिन्होंने मराठा कोटा लॉ के लिए रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, या बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट थी जिसने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को वैलिडेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, इन सबको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, खारिज कर दिया है। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो आप सेपरेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो मराठा कम्युनिटी को, ये आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 21 जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है उसके खिलाफ जाता है। ऑलराइट, एंड 1992 की इंदिरा सोहने केस के भी ये अगेंस्ट रहेगा। अब देखो, ये जो पूरी न्यूज़ है, इस न्यूज़ में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, इंदिरा सोहने केस आपको पता होना चाहिए क्या था, ठीक है, उसका सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, मंडल कमीशन पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 का यहाँ पर जिक्र आया, पूरा आर्टिकल 14 अच्छे से अपने को पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 का जिक्र आया, पूरा आर्टिकल 21 अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, इसका बैकग्राउंड है आर्टिकल 342A। ये आर्टिकल 342A क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ अब। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको खुद से कवर करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन देखो कैसा है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 14 का आपको टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया जो भारत का संविधान में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शॉल नॉट डिनाय टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये ये तो आर्टिकल 15 का टेक्स्ट आ गया, ये गलती से यहाँ पर जो है लिखा गया, इसको छोड़ो, ये आर्टिकल 14 का टेक्स्ट आप पकड़ लो, ठीक है जी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 14 आपका कह रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, अगर पॉलिटी पढ़ी हुई है तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, द वर्ड पर्सन इन द आर्टिकल इंक्लूड्स द लीगल पर्सन एज वेल। लीगल पर्सन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, कोई भी रजिस्टर्ड कॉरपोरेट होता है, तो ये लीगल पर्सन होते हैं, यानी कि ये सेपरेट एंटिटी होते हैं, ओनर्स से अलग होते हैं, ठीक है। इनको आप इनके ऊपर केस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस के ऊपर केस कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर रहे हो, क्योंकि दोनों अलग हैं। रिलायंस जो है इन इट्सेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो वर्ड पर्सन में लीगल पर्सन भी इंक्लूड होगा, यानी कि कंपनी कॉर्पोरेट्स वगैरह भी इंक्लूडेड होंगे। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगता है, फॉरेनर्स के सिटीजन्स को भी है और फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, और लीगल पर्सन्स भी कवर्ड है। अब आर्टिकल 14 इतना बड़ा है, ठीक है, अगर हम आर्टिकल 14 को यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं पूरा डिटेल में उसको डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल इंदिरा सोहने केस, आर्टिकल 342A, इन सबको अगर इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा तो हम इस वीडियो का जो करंट अफेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बहुत आगे निकल जाएंगे, और एटलीस्ट वो हमें फिर 2 से 3 घंटे की क्लास चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर हो गया सी।
ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी, जिसमें आपके फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे और पर्सन जो लिखा गया आर्टिकल 14 में उसमें लीगल पर्सन भी इंक्लूडेड है, जो आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज वगैरह होते हैं, ठीक है, या किसी और टाइप के लीगल पर्सन, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। आर्टिकल 14 आपने कवर कर, देखो मेन यहाँ पर क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है कि आपको एक आइडिया लगे कि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन निकलते कैसे हैं। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कौन सी स्कीम आ गई या कौन उसी में से आएंगे, जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली, समझ रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फेमस मंडल केस ऑफ 1992। मंडल केस ऑफ 1992 से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये आपका इंदिरा सोने केस ही है, इंदिरा सोने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको मंडल केस भी बोला जाता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट दिया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनमें क्रीमी लेयर यानी कि जो वेल ऑफ लोग हैं उनको बाहर रखा जाए। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ या डी नन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू द वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द मंडल केस। तो वंस अगेन बैकग्राउंड पता होगा तो इजीली आंसर कर सकते हो, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ऑलराइट, सो फेमस मंडल केस, आर्टिकल 16(4) का जो स्कोप है उसको इंक्रीज किया गया था बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में जॉब और रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो क्या किया, 10% जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात कर रही थी सरकार इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, उसको जो है कहा कि आप ये नहीं दे सकते। सरकार ने 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी दी थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 10% आप पुअर लोगों को या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को नहीं दे सकते। हालांकि सरकार ने रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन दी है एंड दैट हैज स्टूड द यू नो जुडिशरी ने अभी तक उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया, इट हैज़ बीन मच एक्सेप्टेड। ऑल राइट, 50% वाला जो सिचुएशन है वो एप्लीकेबल है। ओके, प्रमोशन में आप कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकते, रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के केस में होनी चाहिए। ऑल राइट, ये उसमें बोला गया। उसके अलावा रिजर्व्ड कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है या महाराष्ट्र में ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। ओके, और ये रूल हर साल आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक साल 50 नहीं थी अगले साल 52 हो गई, हर साल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 50% रिजर्वेशन मेंटेन रहे। कैरी फॉरवर्ड रूल, अब क्या होता है बैकलॉग वैकेंसीज में कैरी फॉरवर्ड रूल लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आज 2021 में किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे 20 सीट्स किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई थी या कोई भी सीट रिजर्व की गई थी, किसी भी एस सी एस टी बैकवर्ड कम्युनिटी रिजर्व की गई थी, ये 20 सीट्स कुड नॉट बी फिल्ड अप इन 2021, ठीक है। अब 2022 में दोबारा पोस्टिंग्स निकाली, इस साल में क्या हुआ, इस साल भी इन्होंने 20 सीट रखनी थी, इस साल फॉर एग्जांपल 2021 में सिर्फ 15 सीटें ही भरी गई थी रिजर्व वाली, 20 सीट्स रखनी थी रिजर्वेशन की, तो इन 20 में प्लस कर देंगे वो और 5 सीट्स को जो पिछले साल बच गई थी, तो कहेंगे कि इस बार हम रिजर्वेशन जो है 25 सीट्स पर दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आपने पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड करनी है करो, लेकिन उस केस में भी 50% वाला सिचुएशन नहीं क्रॉस करना चाहिए, आप मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% पे ही मेंटेन रखोगे उस केस के अंदर भी। उसके बाद एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए जो बेसिकली कंप्लेंट्स देखेगी कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है दैट फील्स कि उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ओबीसी बैकवर्ड क्लास लिस्ट में या अंडर इंक्लूजन है, तो ऐसा एक स्टैट्यूटरी कमीशन होना चाहिए। तो तब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म किया गया था जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मिल चुकी है, ठीक है जी। चलिए, ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम न्यूज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू आर्टिकल 342A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी न्यूज में था, अभी देखेंगे क्यों था न्यूज में, सेम कंटिन्यूएशन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द न्यू आर्टिकल वॉज इंसर्टेड विद द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका आर्टिकल ये इंसर्ट किया गया था 342A। सेकेंड, आर्टिकल 342A एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेजिडेंट एलोन कैन मेक चेंजेस टू द लिस्ट। जो लिस्ट एक बार आ गई सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की, अब उस लिस्ट में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो भी प्रेजिडेंट अकेला कर सकता है, उसमें पार्लियामेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट, पार्लियामेंट हाउसेज यानी लोकसभा राज्यसभा की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था। न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का, अगर हिंदू पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। चलिए आंसर देखें इस केस में क्या है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक इनिशियल लिस्ट लेकर के आए, जो बैकवर्ड क्लासेस जो लिस्टेड होंगी उस वो लिस्ट में सारी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन कवरिंग वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बिल्कुल इनिशियल लिस्ट है जो गैजेट में पब्लिश हुई है वो तो प्रेसिडेंट ने निकाल दी, ठीक है, उसके बाद उस लिस्ट में अगर कोई भी चेंज करना है, किसी कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करना है, तो वो काम किसका है? वो काम है आपकी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगी, पार्लियामेंट जब तक पास नहीं करेगी इंक्लूजन या उस एक्सक्लूजन को, तब तक आप उस कम्युनिटी का नाम उस लिस्ट में जोड़ या निकाल नहीं सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 ओनली, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो तो ये आपका न्यूज़पेपर में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ सेंटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है सोशली एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस को, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो अपने आप से ही कर दिया था, ठीक है जी। सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, द सेंटर अलोन इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एंड इंक्लूड देम इन द सेंटर लिस्ट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको प्रूफ करने के लिए आर्टिकल 342(1), जिसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट देखो खुद से तो कुछ करता नहीं, जो सरकार उसको बोलती है, केंद्र सरकार वही करता है ना, तो प्रेसिडेंट अलोन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटीज इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SEBCs एंड इंक्लूड देम इन अ लिस्ट टू बी पब्लिश अंडर आर्टिकल 342(1) विच शॉल बी डीम्ड टू इंक्लूड SEBCs इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो काम प्रेसिडेंट करेगा, काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। स्टेट सिर्फ प्रेसिडेंट को सजेशन दे सकती है कि आप इस पर्टिकुलर कमिटी को, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंक्लूड कर लो या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर लो लिस्ट के अंदर, ठीक है। और सेंट्रल लिस्ट इकलौती लिस्ट होगी, ऐसा नहीं है कि स्टेट सरकार अपनी एक लिस्ट बना करके चल रही है रिजर्वेशन की। ऑलराइट, उसके बाद जब लिस्ट पब्लिश हो गई, वंस द लिस्ट हैज बीन पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 342(1), द लिस्ट कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 342(a)(2)। तो प्रेसिडेंट इनिशियली एक लिस्ट ले आया, उसके बाद अगर उसमें चेंज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट पास करेगी। इसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया था, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि प्रेसिडेंट अकेला कर लेगा बिना पार्लियामेंट के इन्वॉल्वमेंट के। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट द कोर्ट सेड, द जजेस ऑफ द कोर्ट सेड कि अगर SEBCs को आइडेंटिफाई करना है, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की जो डिसीजन है, जो लिस्ट में वो इंक्लूजन करेंगे, शॉल बी गाइडेड बाय द कमीशन, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल 338(b). ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 342(a), 342(a)(2), 338(b), सीधा पेपर में आएंगे। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने साथ के साथ ये भी बोला, However, the president's prerogative as far as the identification and inclusion of SEBCs in the list would not affect the state's power. अब state की power किस aspect में effect नहीं हो रही है? To make reservations in favor of particular communities or caste. अगर state किसी particular community या किसी particular caste को reservation देना चाहती है, quantum of reservation भी state decide कर ले, benefits किस तरह के देने हैं वो भी state decide कर ले, ठीक है, सब चीजें स्टेट डिसाइड कर ले, लेकिन वो 50% एम्बिट नहीं क्रॉस करना चाहिए, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी के आर्टिकल्स हैं उनको वायलेटिव नहीं होना चाहिए। तो साथ ही साथ ये जस्टिफिकेशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दे दी। ओके, आई होप अब आपको ये सारा सिनेरियो जो है समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू 4 सिस्मिक जोन्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने
इंडिया को 4 सिस्मिक जोन्स, अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया है। ईपीएफओ बच्चों ज्योग्राफी में नहीं आता लेकिन करंट अफेयर में कहीं ना कहीं कवर्ड होता है, तो अगर आपने नहीं करना है क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो को क्विट कर सकते हो। आईएएस वाले बच्चे इसको देखें, स्टेट वाले बच्चे इसको देखें। सेकंड स्टेटमेंट, ओवर 59% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर नन। वंस अगेन, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले तो न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली असम में अर्थक्वेक आया था, असम के सोनितपुर रीजन में अर्थक्वेक आया था। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि एक अनफेमिलियर लाइनामेंट थी, एक अनफेमिलियर फॉल्ट था, विच वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर कॉजिंग द अर्थक्वेक इन द असम सोनितपुर एरिया। ऑलराइट, ओके, सो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, उनकी वजह से अर्थक्वेक्स मेनली होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द GSI, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट लाइज विद इन अ टेक्टॉन टेक्टोनिकली कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलर एरिया विच इज बाउंडेड बाय द ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग एथरिक फॉल्ट, द नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग कोपिली फॉल्ट एंड द नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग लाइनामेंट। ठीक है, तो ये फॉल्ट जहां पर मिल रहे हैं, जो ये तीन फॉल्ट हैं यहां पर मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलर एक एरिया बनाते हैं जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक यहां पर हुआ। द टू फॉल्ट एंड द लाइनामेंट अलॉन्ग विद द ऑब्लिक कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, और ये जो रीजन है यहां पर इंडियन प्लेट जो है वो भी यूरेशियन प्लेट के साथ मिल रही है। ओके, एंड जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है इंडिया में, ये इसी वजह से हमने सिस्मिक जोन वाला पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। ऑलराइट, साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कैसे अर्थक्वेक जो आया था अप्रैल 28 को सोनितपुर में, दैट वाज आल्सो, उस अर्थक्वेक में ये देखा गया कि कैसे वाटर जो है वो बाहर निकल रहा था फॉल्ट्स में से, वाटर ऊज आउट हो रहा था लाइक अ फाउंटेन। तो उसका रीजन क्या बताया गया है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इज बिकॉज ऑफ द सिवियर लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लिक्विड, जब आपका अंडर जो स्ट्रैटा है, जो जमीन के नीचे का स्थल है, वो लिक्विफेक्शन उसका होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यू सॉ दैट द लिक्विड वॉज कमिंग आउट ऑफ द फॉल्ट्स। ओके, तो ये सारे एरियाज अगर आप देखो, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि सिस्मिक जोन क्या होता है, ठीक है, हजार्ड मैपिंग कैसे की गई है इंडिया में, लाइनामेंट्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका लिक्विफेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिस्मिक जोन के बारे में अभी डिटेल में। ओके, सो वायलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड जब होती है उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, तो आपको पता ही है 59% से ज्यादा लैंड एरिया जो है इंडिया का, दैट इज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर अर्थक्वेक। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो इंडिया है उसको 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया है, सिस्मिक जोन 2, 3, 4 एंड 5। अब बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि सर 1 कहाँ गया, उसका भी अभी आपको रीजन बताते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता था, जो हिमालय से दूर रीजन था, महाराष्ट्र वगैरह जो रीजन था, वहाँ पर हम ये समझते थे कि यार सेफ एरिया है और अर्थक्वेक्स यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि स्टेबल एरिया है। ठीक है, लेकिन 1993 में एक किलारी अर्थक्वेक आया और उसके बाद जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने कहा कि भैया ये जोन भी जो है सेफ नहीं है और सिस्मिक जोन मैप को रिवाइज किया गया और सिस्मिक जोन 1 को बाहर निकाल दिया गया। जो ये सिस्मिक जोन 1 में पहला एरिया आता था महाराष्ट्र का, या एरियाज जो कंसिडर किए जाते थे सेफ, उनको सिस्मिक जोन 2 में डाल दिया गया। इसीलिए हमारी जो मैपिंग आती है इंडिया की उसमें सिस्मिक जोन 1 आपको नहीं दिखेगा। ऑलराइट, नाउ जोन 5 जो है इसको मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन माना जाता है और जोन 2 को लीस्ट एक्टिव जोन माना जाता है। ये जो जोन होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड मर्कुरी इंटेंसिटी स्केल। ठीक है, दो स्केल्स होते हैं अर्थक्वेक के लिए, एक रिक्टर और एक मसल है। ठीक है, तो जो रिक्टर स्केल होता है वो आपको बताता है कि अर्थक्वेक की बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या था। रिक्टर स्केल बेसिकली आपको क्या बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या था, और जो आपका मर्कुरी स्केल होता है ये आपको बताता है इसकी इंटेंसिटी क्या थी। ओके, सो द एरिया कवर्ड अंडर द डिफरेंट सिस्मिक जोन्स इंक्लूड, जोन 2 में अगर आप देखोगे लो इंटेंसिटी जोन है, 40.93 एरिया जो है कंट्री का इसमें कवर होता है, पेनिनसुलर रीजन और कर्नाटका प्लेट्यू इसके अंदर आ जाता है। फिर जोन 3 अगर आप देखोगे, मॉडरेट इंटेंसिटी जोन, 30.79% एरिया का कवर होता है,
केरला, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका इसमें आ जाते हैं। जोन फोर सिवियर इंटेंसिटी 17.49% एरिया, जे एंड के, हिमाचल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सिक्किम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कुछ पोर्शंस महाराष्ट्र के और कुछ पोर्शन वेस्ट कोस्ट के जो पास है महाराष्ट्र के वो, और राजस्थान इसमें आ जाता है। फाइनली जोन फाइव द मोस्ट इम्पैक्टफुल जोन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने के चांसेस रहते हैं, वो आपका 10.79% एरिया है। इट कवर्स द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जे एंड के पार्ट्स, एच पी के पार्ट्स, उत्तराखंड के पार्ट्स, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, नॉर्थ बिहार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो एक आइडिया होना चाहिए आपको मैप का। चलिए, तो यहाँ पर हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। पीडीएफ आपका इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, कोई इशू नहीं है। और जिन बच्चों ने ईपीएफओ वाले बच्चों ने कॉम्बो कोर्सेज खरीदे हुए हैं या कोई भी कोर्स खरीदा हुआ है ईपीएफओ वाले बच्चों ने, तो उनको पीडीएफ उनके कोर्स में ही ऐड हो जाएगा, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो आप जो है बेफिक्र कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, या फिर मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। ओके, सो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।